Next question is, explain how PN junction diode is forward and reverse biased. किस तरीके से PN junction को forward bias कर सकते हैं और reverse bias कर सकते हैं? सबसे पहला है forward bias, forward biasing. Biasing means connections. How PN junction is forward biased and reverse biased. पहले मैं आपको forward bias समझाता हूं. इधर देख लीजिए, ये है PN junction. ये junction है, सबको पता है. इसमें holes होते हैं ऐसे, ये डिप्लेशन रीजन होता है, ठीक है बेटा. ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहां पर, ठीक है. ये जंक्शन होता है, लेकिन एन और पी, पी एन में क्या होता है, एन में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स. ये है इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, और कहीं कहीं पर होता है होल. ये होल मैंने एक दो भी दिखाए, ज्यादातर मेजॉरिटी किन की है, इलेक्ट्रॉन्स की, और इसमें मेजॉरिटी होती है होल्स की, और कहीं कहीं पर इलेक्ट्रॉन भी दिखाना है. इन पी टाइप सेमीकंडक्टर देयर इज मेजॉरिटी ऑफ होल्स एंड माइनॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इन केस ऑफ एन रीजन देयर इज मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड माइनॉरिटी ऑफ होल्स. आप देखो, फॉर इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूं. इधर देख लीजिए, ये है पीएन जंक्शन पी, और ये है एन, ठीक है बेटा. अब मैं आपको समझाऊंगा हाउ पीएन जंक्शन इज फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस्ड. देख लीजिए, जब व्हेन पी, जब पी को हम बांधेंगे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. पी को किसके साथ बांधा, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और एन को बांध दूंगा नेगेटिव टर्मिनल के साथ, तब पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायसिंग बोलते हैं. कब, जब व्हेन पी इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल एंड एन इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल, देन इट इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायसिंग. ये हो गया बैटरी. When P is connected with the positive, N is connected with the negative, then it is called forward biasing. इसको बोलते हैं forward biasing. जब P को हम positive के साथ जोड़ेंगे, N को negative के साथ जोड़ेंगे battery के, उसको बोलते हैं forward biasing. Simple. When P is connected with the positive terminal, N is connected with the negative terminal, then it is called forward biasing. ये forward biasing हो गई. चाहे आप ऐसे बनाओ, चाहे ऐसे बनाओ, ये सिंपल पर है. अब फॉरवर्ड बायसिंग में होता क्या है, फॉरवर्ड बायसिंग में होता क्या है, इधर देखो. जब पॉजिटिव चार्जेस आएंगे, यहां से करंट फ्लो करेगी, पॉजिटिव चार्जेस यहां से आएंगे, ये पॉजिटिव चार्जेस इन होल्स को, होल्स तो पॉजिटिव चार्ज है, इन होल्स को रिपेल करेंगे, धक्का देंगे इनको, ऐसे धक्का देंगे. इनकी डायरेक्शन सभी की इस रीजन पर पड़ेगी, ठीक है. अब इधर से इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन्स को इधर की तरफ धक्का देंगे ऐसे. इसका मतलब हो गया, ये जो होल्स है, होल्स का प्रेशर किस पर पड़ेगा, डिप्लेशन जोन पर. इधर देख लीजिए, ये यहां से होल आ रहा है, होल को रिपेल कर रहा है, होल का प्रेशर इस पर पड़ेगा, इधर से इलेक्ट्रॉन्स का प्रेशर पड़ेगा इस पर. इसका मतलब हो गया डिप्लेशन रीजन जो है ये कम हो जाएगा. अगर यहां तक था, ये यहां तक ही रहेगा, इतना ही रहेगा, डिप्लेशन रीजन कम हो जाएगा, क्योंकि यहां से होल्स का प्रेशर इस पर पड़ गया, यहां से इलेक्ट्रॉन्स का प्रेशर है. अगर ये इतनी थी डिप्लेशन जोन, ये सुकड़ के इतनी बन जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि इनका प्रेशर है इस पर. तो डिप्लेशन रीजन इन दिस केस डिक्रीजेस. जब डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एन रीजन कैन इजिली क्रॉस इनटू द पी रीजन, एंड पी रीजन फ्रॉम द पी रीजन
होल्स फ्रॉम द पी रीजन कैन इजली क्रॉस इनटू द एन रीजन, क्योंकि जो ये बैरियर है यही कम हो गया किस वक्त, फॉरवर्ड बायसिंग के वक्त, ये याद रखना। इसका मतलब हो गया फॉरवर्ड बायसिंग के वक्त जो पोटेंशियल बैरियर है ये कम हो जाता है, ये जो डिप्लीशन रीजन है इसकी विड्थ कम हो जाती है, इसलिए जो चार्ज कैरियर्स हैं वो इजली क्रॉस कर पाते हैं। इसलिए हम कहते हैं इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन जोन डिक्रीजेस, विड्थ ऑफ द डिप्लीशन जोन डिक्रीजेस, हेंस करंट कैन इजली पास थ्रू द पीएन जंक्शन। करंट क्या हो जाएगी, इजली करेगी फ्लो किस में, पीएन जंक्शन में। इसलिए व्हेन पीएन जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड इट इजली कंडक्ट्स, ये इजली कंडक्ट करता है, इट इजली कंडक्ट्स। व्हेन पीएन जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड चार्ज कैरियर्स विल इजली फ्लो फ्रॉम पी टू एन एंड एन टू पी रीजन बिकॉज द डिप्लीशन रीजन डिक्रीजेस। सो इन फॉरवर्ड बायसिंग ए पीएन जंक्शन डायोड इजली कंडक्ट्स। फॉरवर्ड बायस, व्हाट डू यू मीन बाय फॉरवर्ड बायसिंग, व्हेन पी टाइप सेमीकंडक्टर इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव एंड एन टाइप इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी देन पीएन जंक्शन इज सेड टू बी फॉरवर्ड बायस्ड। ठीक है बेटा, इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस्ड देयर द डिप्लीशन रीजन द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन डिक्रीजेस। सो in when PN junction diode is forward biased it easily conducts, current easily flows through it. In other words, the resistance offered by the conductor during forward biasing is very less. Forward kyunki current easily chalti hai to resistance kam hogi zarur. Forward biasing ke waqt resistance offered by the PN junction diode is less. Why it is less? Because the width of the depletion zone decreases. ठीक है, अब नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज रिवर्स बायसिंग, हाउ पीएन जंक्शन डायोड इज रिवर्स बायस्ड। रिवर्स बायसिंग जिसको बोलते हैं रिवर्स बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, अब मैं फिर से समझाता हूं। रिवर्स बायसिंग का मतलब क्या हुआ, इधर आप लोग अच्छी तरीके से समझ लीजिए। ये पीएन जंक्शन डायोड है और आपको मैंने ये फिर से बताया हुआ है, इसमें एक लेयर होती है किसकी, ये होती है पॉजिटिव चार्जेस की लेयर और इसमें नेगेटिव चार्जेस की लेयर होती है, इसमें मेजॉरिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की और माइनॉरिटी होती है होल्स की। इसमें मेजॉरिटी होती है होल्स की और माइनॉरिटी में होती है इलेक्ट्रॉन्स। ये पी है और ये एन है। ठीक है, अब देख लीजिए, व्हेन पी इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, जब P को नेगेटिव पॉजिटिव के साथ नहीं, पॉजिटिव तो फॉरवर्ड बायस में होता है, व्हेन P इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड N इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी देन इट इज कॉल्ड रिवर्स बायसिंग। ये तो रिवर्स बायसिंग हो गई, रिवर्स बायसिंग। When P is connected with the negative terminal and N is connected with the positive terminal, then it is said to be reverse biased. Again, when P is connected with the negative terminal and N is connected with the positive terminal, then it is said to be reverse biased. ये reverse biased है, ये भी reverse biased है, ये PN symbol पर है, ये diagram है, तो आप लोग देख लीजिए। अब देखो reverse biased में होता क्या है, इधर देख लीजिए, जितने भी होल्स है दैट आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है बेटा, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड सारे किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे इस वक्त, ये सारे के सारे अट्रैक्ट होंगे किसकी तरफ, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। इसका मतलब हो गया ये सारे अट्रैक्ट हो गए, यहां पर सिर्फ कुछ इलेक्ट्रॉन्स रह गए, ये सारे किसने लिए,
ये सारे अट्रैक्ट हो गए, पॉजिटिव चार्ज जितने भी हैं वो किसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ। इसका मतलब है जो प्रेशर था डिप्लीशन रीजन पर वो उठ गया। डिप्लीशन रीजन पर किन का प्रेशर था, होल्स का, वो यहां से जब निकल गए ये डिप्लीशन रीजन यहां के बजाय इधर तक पहुंच गया, क्योंकि प्रेशर जो है, जो प्रेशर था, प्रेशर प्रेशर जो डिप्लीशन रीजन पर था वो उठ गया, ये विड्थ इधर से, इधर से इलेक्ट्रॉन सारे चले गए पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, ऐसे ऐसे ये सारे चले गए इधर। तो इसका मतलब यहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स तो रहे नहीं, प्रेशर उठ गया, डिप्लीशन रीजन यहां पर पहुंच गया। इसका मतलब हो गया डिप्लीशन रीजन की विड्थ इधर से देख लीजिए, पहले इतनी थी अब कितनी बन गई, ज्यादा। इसका मतलब ड्यूरिंग रिवर्स बायसिंग द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन इंक्रीजेस। जब इंक्रीज हो गया तो चार्ज कैरियर उसको क्रॉस करना, इन इलेक्ट्रॉन्स को इधर क्रॉस करना, इन होल्स को क्रॉस करना इधर, बड़ा मुश्किल हो गया क्योंकि डिप्लीशन रीजन बढ़ गई। इसका मतलब हो गया इन केस ऑफ रिवर्स बायसिंग द डिप्लीशन रीजन इंक्रीजेस, देयरफॉर पीएन जंक्शन डायोड डज नॉट कंडक्ट इजिली। ये इजिली कंडक्ट नहीं करता है, डज नॉट कंडक्ट इजिली, देयरफॉर इट ऑफर्स हाई रेजिस्टेंस। ये हाई रेजिस्टेंस दिखाता है किस केस में, फॉरवर्ड बायसिंग के रिवर्स बायसिंग, रिवर्स बायसिंग के वक्त पी को एन नेगेटिव के साथ जोड़ा जाता है, एन को पॉजिटिव के साथ जोड़ा जाता है। रिवर्स बायस के वक्त डिप्लीशन रीजन इंक्रीज हो जाता है, डायोड चार्ज कैरियर्स को फ्लो करने में आसानी नहीं होती है, इसलिए डायोड डज नॉट कंडक्ट इजिली। इसका मतलब हो गया इन रिवर्स बायसिंग ए पीएन जंक्शन डायोड ऑफर्स हाई रेजिस्टेंस, ठीक है। दिस इज फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड।